सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। और मैं आज जो आप लोगों से बोलना चाह रही हूँ ना, पता है कोई वीडियो नहीं बना रही हूँ, मुझे सिर्फ ये बताना है कि YouTube पे क्या चल रहा है। YouTube पे मुझे ये वीडियो नहीं बनाना था। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं किसी की वीडियो इतना मतलब ये वाला देखती नहीं हूँ, क्योंकि आजकल ना 2-3 महीने से ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है। यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे ट्रेंड चल रहा है। पता नहीं इन लोगों ने मुझे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इतना व्यू के लिए हो रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी इंसान काम करता है ना सिर्फ व्यू के लिए, चाहे वो किसी तरीके से भी काम कर रहा हो, जो भी उसका क्राइटेरिया हो, जो भी उसकी कैटेगरी हो, चूज़ कर रहा है कुछ किसी भी काम पे, तो वो सिर्फ अपने व्यू के लिए ही काम करता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है, पता नहीं मुझे पूरी सच्चाई। मैंने भी कुछ वीडियो, क्योंकि आजकल ना कभी भी मोबाइल खोलो उन्हीं की वीडियो बरोबर आ रही है बार बार। तो सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा दोस्ती अच्छी है और ना ही दुश्मनी अच्छी है, जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ। तो उन दोनों की पहले भाई बहन का रिश्ता था, बहुत अच्छी दोस्ती थी, तब तक किसी को नहीं पता था। बट अब मनीषा बहुत रो रही है और बहुत ही ज़्यादा रो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। मैंने उनके 2-3 वीडियो खंगाल के देखे, लाइव्स भी देखे मैंने उनके, और देखने के बाद में मुझे 24 साल की मनीषा है, अपनी एज भी वो रिवील कर रही है और बता भी रही है अपने बारे में। तो उनके बारे में सुन के बहुत ज़्यादा मुझे परेशान ऐसा लग रहा है मुझे, कि नहीं उनकी बातों में सच्चाई है। बाकी मुझे ना सचिन की बातों में सच्चाई लग रही है, और नेहा देखिए, मुझे किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलना है। मुझे वो पहले से ही नहीं पसंद थी, पता नहीं क्यों उनकी रोने धोने की वीडियो देख देख के सब उनको वायरल कर रहे थे। एक उन्हें और जो उनकी फ्रेंड है एक नीतू, वो दोनों ही मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और ना मैं उनकी वीडियो देखती हूँ और ना ही मैंने उनको सब्सक्राइब किया हुआ है। और मैं उनकी वीडियो ऐसे स्क्रॉल करो तो आ जाती है, तो भले ही मैं देख लेती हूँ बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। हाँ ये है कि सोशल मीडिया पे इस समय उन लोग जब इंगेजमेंट हो रही थी, तभी भी मैंने सोचा कि चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने दिल से दुआ ही दिया कि चलो बेचारी के साथ ऐसा हुआ था तो अच्छी बात है, कि चलो ठीक है, अब उसके साथ अच्छा हो जाएगा, उसका घर बस जाएगा, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बट अब मैंने अभी यही मैं देख रही हूँ कि उनके बारे में ऐसी, और उन पता नहीं उनके मायके वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे तो वो पहले से ही उनका मतलब एटीट्यूड था या उनका स्टाइल है क्या है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, और ना ही वो मुझे पसंद पहले ही थी। और चलो ठीक है, अपने अपने बारे में सोचा, उनके परिवार वाले ने सोचा कि चलो उनका घर बस जाए तो अच्छी बात है, घर बस जाना ही चाहिए। कोई भी लड़की हो, उसकी जीवन ऐसे नहीं कटेगा, किसी ना किसी का सहारा चाहिए, तो ठीक है आगे जीवन बिताए। बट ये सचिन भी कुछ कम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से उसकी बात की टोन है, क्या है कैसी है। हाँ मुझे मनीषा पे बहुत ज़्यादा मतलब दया आ रहा है, बिचारी उसकी कोई गलती नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है, और भी मैं उसके बारे में पता करूँगी, और उसकी कम्युनिटी पोस्ट जो है और लाइव से वो बहुत ही कम मतलब वो है, और जो भी है उसका हस्बैंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गाइस आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगर आप भी जगत दीदी को मान रहे हो तो, कि हम लोग ही उनके व्यूवर्स हैं, हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं, बहुत जन बोल रहे हैं कि आप लोग अपना व्यूवर बढ़ा रहे हो, तो भैया हम ही लोग से तो वो लोग हैं, हम ही लोग तो देखते हैं, तो हम लोग से ही तो वो हैं, हम लोग उनके बारे में देखते हैं, उनके बारे में पता करते हैं, उनकी लाइफ अपडेट करते हैं, तो हम इससे तो उनकी कमाई है, उनकी जान पहचान है, तो हम लोग उनके बारे में नहीं बात करेंगे तो किसके बारे में बात करेंगे। तो जो बात कर रहे हैं तो बहुत बोल रही हैं कि नहीं ऐसा है वैसा है फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें भी हो रही है। सो फ्रेंड्स, मुझे जो भी पता था मैं आप लोगों से अपडेट करती रहूँगी। बाकी मुझे मनीषा के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि नहीं बिचारी, उसकी कोई गलती नहीं है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।